रजत की मॉम जो है वो बिग बॉस के सेट पे पहुंची और पहली बार हमने रजत को इमोशनल होता हुआ देखा, जहां पे रजत की आवाज ऐसी कांपती हुई सी निकल रही थी कि मम्मा बहुत दिन हो गए ऐसे, हमने कभी इतना लंबा समय नहीं बीता ना कि हमने बात नहीं करी, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन रजत की मम्मी बहुत स्ट्रांग है भाई, उनका कहना है कि कोई बात नहीं, तू अच्छा कर रहा है, तू बढ़िया कर रहा है। और खुलासे भी उन्होंने करे हैं। किसके बारे में खुलासे करे हैं चलिए बता देते हैं आपको। दरअसल रजत की मम्मी का भी कहना है कि तू दिग्विजय जब आया तो तू इतना खुश हुआ, तू उसको अपना भाई भाई मानता था, इतना अच्छा तुझे फील हो रहा था कि चलो कोई अपना आया है इस शो में। और लेकिन दिग्विजय ने जिस तरीके से तुम्हारे बारे में बातें करनी शुरू की, ये कहना शुरू किया कि ये अपनी फैमिली से दूर रहता है, यहाँ भागता है वहाँ भागता है, ये सारी बातें कि वो कर रहा है, तो बेटा वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम उसे भाई देखते हो। और रजत का भी ये कहना है कि माँ वो मम्मा वो मेरा भाई ही रहेगा, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, थोड़ा सा उससे सतर्क हो जाओ बस, बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो अच्छा लगा रजत की माँ को देख के और रजत को देख के, क्योंकि रजत का ये वाला साइड हमने ना बहुत कम देखा। आई थिंक एक बार ईशा के सामने उसका ब्रेकडाउन हुआ था और एक और बार ब्रेकडाउन हुआ था उसका, हाँ दिग्विजय की वजह से ही ब्रेकडाउन हुआ था, शायद चुम के सामने। तो मतलब एक दो बार हमने देखा है उसका ब्रेकडाउन, अदरवाइज हमने कभी नहीं देखा है। तो आज ये मोमेंट उसके लिए कि बंदा चाहे ऊपर से कितना ही सख्त हो, मार दूंगा, क्या कहता है, पाड़ दूंगा, काट दूंगा, कितना ही कर ले, लेकिन जब अपनी माँ अपनी फैमिली दिखती है ना तो फिर वो सारी चीज़ें मेल्टडाउन हो ही जाती हैं। और सेम रजत के साथ भी हुआ। बाकी दिग्विजय से रिलेटेड उन्होंने खुलासे किए हैं और ये चीज़ें दिग्विजय को पहले से ही बिग बॉस ने भी बता दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। बाकी एपिसोड में वो क्या खुलासे करती हैं ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप लिखना आपको क्या है कहना।